तो हे रतनपुर में मांघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला के आयोजन 19 फरवरी ले है। मेला के व्यवस्था के जानकारी लेहे पर कलेक्टर ली समीक्षा बैठक। मेला 7 दिन तक चली जेनमा छत्तीसगढ़ी लोक कला ला विशेष महत्व मिलते। देखा ये रिपोर्ट। 19 फरवरी ले आयोजित होए वाले आदिवासी विकास मेला ला आउ आकर्षक बनाए औ भव्य रूप देहे बर महामाया परिसर मा कलेक्टर संजय अलंग विभिन्न विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मन के समीक्षा बैठक ली। उक्त बैठक मा एसपी अभिषेक मीणा, एसडीएम कोटा कीर्तिमान सिंह के अलावा स्थानीय चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, नायब तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारी समेत जम्मो विभागीय अधिकारी ये बैठक में मौजूद रहे। दूसरी चीज की पार्किंग की हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, व्हीकल्स को एटलीस्ट मंदिर प्रोवाइसेस से 400 से 500 मीटर दूर पे पार्क करने की हम लोग व्यवस्था करेंगे, उसके लिए भी हम लोग मीटिंग करके देखेंगे। फर्स्ट मीटिंग है, अभी हम थोड़ा इसका एक या दो दिन के अंदर इसका स्वरूप तैयार कर लेंगे। तीसरी चीज की कंटिंजेंसी व्यवस्था हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि काफी सारी मैं देख रहा था यहाँ पे लकड़ी का यूज काफी जगह पे हुआ है, जो चीजें सामने आती है उसमें हमको हेल्प डेस्क अलग अलग चीजों का कंबाइंड करना पड़ेगा, जिसमें एक हमारी पॉकेट मार की समस्या होती है, दूसरा हमको पता है कि ये शराब जो बेचने वाले हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स, इनकी समस्या होती है। ये बैठक के मुख्य उद्देश्य यहाँ अवैया व्यापारी और लोगन मन के सुविधा, मेला में पानी, बिजली और साफ सफाई व्यवस्था के विशेष जानकारी लेना रहिस। ये बैठक में विभिन्न वार्ड के पार्षद मन के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।